हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। आई एम प्रोफेसर दीपाली इंगले फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आवर टुडेज टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑन रेगुलर सॉलिड क्यूब। नाउ कोर्स आउटकम्स, कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर एंड रेगुलर सॉलिड। Now learning outcomes, after watching this video, you will be able to identify the regular solid, कौन सा regular solid यहाँ पे use हुआ है ये आप identify कर सकते हो। Use the formula of regular solid cube, जो regular solid cube हमने यहाँ पे use किया है उसका आप formula apply कर सकते हो, बता सकते हो। And calculate the total surface area एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन रेगुलर सॉलिड्स। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फिर से सॉलिड के ऊपर के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से एग्जाम्पल देखे, क्यूब के एग्जाम्पल देखे। उसमें हमने टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड किया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला देखा आपने, 6a² एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या देखा आपने, a क्यूब, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये नया एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देखते हैं इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है। सो टू क्यूब्स each of 12 centimeter each are joined end to end। यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, टू क्यूब्स। क्यूब्स यानी कि फिर से हम क्यूब का ही एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहा है दो क्यूब ईच ऑफ 12 सेंटीमीटर एज, जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ईच ऑफ मतलब दोनों ही क्यूब की लेंथ कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे देखिए ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर एंड ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि ये क्यूब होने के कारण यहाँ पे सारे साइड्स कैसे होंगे, इक्वल। तो यानी कि ये डिस्टेंस भी 12 होगा, ये डिस्टेंस भी 12 होगा एंड ये जो हाइट है ये भी क्या है 12। सेम हियर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या दिया है, दो क्यूब दिए हैं एंड दोनों ही क्यूब की जो एज है यानी कि जो साइड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब क्या किया है उन्होंने, आर जॉइंड एंड टू एंड, इन दोनों को एंड टू एंड जॉइन कर दिया है। तो क्या निकालने के लिए कहा है हमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ध्यान से देखिए, हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं क्यूब का और हम पहुंच गए हैं क्यूबॉइड तक। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कैसे क्यूबॉइड कैसे मिला। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये दो क्यूब हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दो क्यूब हैं, इन्होंने कहा है इसे कैसे ज्वाइन करना है एंड टू एंड, ठीक है, यानी ऐसे पकड़ लिया हमने एंड इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो अगर हमने इसे ज्वाइन कर दिया तो डायग्राम इस तरीके की बन जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसे हमने उठा लिया एंड टू एंड, देखिए ये एंड है और ये क्यूब का ये एंड है, इसे हमने ज्वाइन कर दिया तो ऐसी डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगा। ये क्यूब इसको ज्वाइन कर दिया है तो ये डिस्टेंस भी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। सो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने इन दोनों को इस एंड से ज्वाइन कर दिया है तो ये 12 हो गया, यानी कि दोनों की एडिशन 24। तो बताइए ये डिस्टेंस क्या ये चेंज हुआ है, नहीं, क्योंकि देखिए आपने इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करने के बाद ये डिस्टेंस 12 है, ये डिस्टेंस 12 है, तो आपको यहाँ पे वही नज़र आ रहा है, तो ये डिस्टेंस अभी भी कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या हाइट चेंज हुई है, नहीं, क्योंकि हाइट 12 सेंटीमीटर है, अभी भी वही हाइट है, तो हाइट कितनी है यहाँ पे 12
12 सेंटीमीटर, और ये क्यूब होने के कारण ये भी 12 ही रहेगा, ठीक है, ये भी 12 रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस कितना हो गया है, 24। क्यों हो गया है? क्योंकि दोनों को क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों को क्या करना है, ज्वाइन, ज्वाइन एन टू एन, इसे हमने ज्वाइन करने के कारण इसकी लेंथ क्या हो गई, चेंज। तो लेंथ चेंज हो गई, ब्रेथ लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, मतलब ये क्या बन गया है, क्यूबॉइड। समझ में आ गया, क्यूबॉइड क्यों कहा है, ये दोनों क्यूब है उसे अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उसकी लेंथ अलग आती है एंड ब्रेथ अलग आती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, यानी ये है मिला हमें, ये क्यूबॉइड है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, यानी कि ही क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला उसका, 2 इंटू ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो हमें यहाँ पे एल बी एंड एच देखना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी लेंथ चेंज हो गई है क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। ब्रेथ यानी कि विड्थ चेंज हुई है क्या, नहीं, वो क्या है, इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करने के बाद भी ये वैसा ही है, इसलिए विड्थ 12 ही है एंड हाइट भी कितनी है, 12। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, ठीक है। सो गिवन लिखते हैं पहले साइड ऑफ ईच क्यूब। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो गिवन, हाँ, आपको क्या दिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, दोनों क्यूब में उसकी साइड की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पहले साइड ऑफ ईच क्यूब। सो साइड ऑफ ईच क्यूब कितनी है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमें मिला है। सो फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ तो चेंज हो गई ही ना, क्योंकि हमने इसे, मैं एक बार बता दूँ फिर से, हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये, 12 प्लस 12। तो हम लिखेंगे फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड उसे हम एल से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा वो, 12 प्लस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखिए क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, उसे हम बी से डिनोट करते हैं, ब्रेथ यानी ये लेंथ, ये अभी भी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड उसे हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें एल बी एंड एच हमने लिख लिया है। अब हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करते हैं। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, फॉर्मूला सभी को याद है, टू टाइम्स डियर स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, ये क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेड्थ, एंड ये जो है इसे क्या कहते हैं हम, हाइट, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, टू टाइम्स क्या होता है, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो इक्वल का साइन, टू इंटू, देखिए एल कितना है, 24, गलती से भी आप 12 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा है, एंड ज्वाइन करने के बाद 12 प्लस 12 कितना होता है, 24। सो एल इंटू बी, बी कितना है, 12 प्लस बी 12 इंटू एच 12 प्लस एच 12 इंटू लेंथ, फिर से लेंथ एल आ गया, कितना है, 24। अब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो एंड आंसर फाइंड कर सकते हो।
सो अभी हम ये कैलकुलेटर में फाइंड करते हैं। सो देखिए इक्वल के नीचे इक्वल का साइन 2। अब देखिए अब ये पूरी टर्म भी आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो या फिर आप छोटी छोटी टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम छोटी छोटी टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 24 × 12, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, इसे ऑन किया। 24 × 12 इक्वल्स टू कितना बता रहा है, 288। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 288 प्लस का साइन है 12 × 12, ये डिलीट कर दिया, 12 × 12, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। देखिए 144, सो यहाँ पे आ जाएगा 144 प्लस, डिलीट कर दिया, 12 × 24, सो 12 × 24 इक्वल्स टू 288। फिर से वही है ना, देखिए हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 288। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये पूरी वैल्यू हम एक साथ कैलकुलेटर में अभी डालने वाले हैं, ध्यान से। अब यहाँ 2 है, नज़र आ रहा है, तो हम 2 डालेंगे। अब देखिए ब्रैकेट है, तो देखिए यहाँ ब्रैकेट के बटन है, ये प्रेस कर दें, पहले ब्रैकेट को चालू किया हमने। अब 288 प्लस 144 प्लस 288 एंड ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज। नहीं क्लोज किया तो एरर बताएगा कैलकुलेटर, चलिए क्लोज कर दिया एंड लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी। देखिए क्या बता रहा है, 1440, यस 1440। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1440 एंड ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। अब यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर में दिया है हमें लेंथ, तो यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर एंड एरिया होने के कारण यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो देयरफॉर लास्ट में एक सेंटेंस आप लिख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल फाइंड किया है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में सोचना है कि हमें क्या फाइंड करना है, मतलब 12 × 12 × 12 लिख के सॉल्व करना है क्या, नहीं। इन्होंने कहा है 2 क्यूब, मैं और एक बार रिपीट करती हूँ, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 12 सेंटीमीटर एज, 2 क्यूब लिए हैं एंड दोनों ही क्यूब में जो एज है यानी लेंथ है, ठीक है, ये जो साइड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाई है, तो अलग अलग क्यूब, तो क्यूब यानी क्या होता है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए लेंथ भी 12, ब्रेथ भी 12, हाइट भी 12, सेम हियर। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान से देखिए ज्वाइन, तो हमने इसे ऐसे उठाया एंड इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखिए दोनों क्यूब को ऐसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद ये चिपक गया ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए चिपक गया यहाँ पे। अब चिपकने के बाद ये दोनों एक दूसरे के टच हो गए, ये फेस एंड ये फेस, ध्यान से देखिए सुनो, ये एक दूसरे को टच हो गए, तो क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। पहले थे 2 क्यूब एंड दोनों को ज्वाइन करने के बाद क्या बन गया, इतनी लेंथ बन गई, मतलब ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ चेंज हो गई है, 12 + 12 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ चेंज हुई है क्या, नहीं, क्योंकि हमने उस साइड से ज्वाइन किया है कि दोनों को ऐसे, नहीं, इस साइड से ज्वाइन किया है, तो ये 12 जैसा के वैसा रह गया, इसलिए ब्रेथ कितनी है, 12 ही है। एंड ऊपर से ज्वाइन किया होता तो हाइट चेंज होती, लेकिन हमने ऊपर से ज्वाइन किया है क्या, नहीं, तो इसलिए हाइट भी कितनी है, 12 ही रह जाएगी, सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी, 24। तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। एंड क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 times L × B प्लस B × H प्लस H × L। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एंड ये फाइंड कर दिया, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, मैं अभी यह वैल्यू चेंज करके आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसी पैटर्न में, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर एज, इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था, 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर के 2 क्यूब्स हैं, इन्हें फिर से हमने ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद उसके लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज, एंड 2 क्यूब को ज्वाइन करने के बाद वो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड।
सो 15 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। उसकी ब्रेड्थ चेंज होगी क्या? नहीं, वो 15 ही रहेंगी। हाइट चेंज होगी क्या? नहीं, वो भी 15 ही रहेंगी। एंड सेम ये दूसरा एग्जांपल। तो ये वीडियो को आपको रिवर्स करना है, समझना है एग्जांपल को, एंड समझने के बाद ये दो एग्जांपल आपको तुरंत सॉल्व करने हैं। आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जांपल्स ऑन रेगुलर सॉलिड सिलेंडर। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Thank you.